नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल टेक ऑनलाइन में। आज हम बात करने वाले हैं सप्लाई ट्रेसिंग के विषय में कि सप्लाई ट्रेसिंग होती क्या है और कैसे करते हैं सप्लाई की ट्रेसिंग। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सप्लाई ट्रेसिंग होती क्या है। देखिए, कोई भी कंपोनेंट लगा होता है, जैसे मान लीजिए मैंने ये यहाँ पर देख लीजिए, ये स्पीकर लगा हुआ है। अब इसकी सप्लाई कहीं ना कहीं से तो आई होगी, इसकी सप्लाई जाहिर सी बात है सीपीयू से आई होगी या रिंगर आईसी से आई होगी। तो उसको ट्रेस करना, कहाँ से वो सप्लाई मिल रही है हमको, उसी को चेक करना सप्लाई ट्रेसिंग कहा जाता है। जैसे आपके घर में मान चलिए कोई बल्ब लगा हुआ है, तो उसकी आपको सप्लाई अगर ट्रेसिंग करनी है कि कहाँ से वो बल्ब की सप्लाई आई है या कैसे, मतलब कहाँ से उसका कनेक्शन है, ठीक है, तो इसी बात को जानना ही सप्लाई ट्रेसिंग कहलाता है। तो आज हम सीखेंगे कैसे सप्लाई ट्रेस कर सकते हैं। तो देखिए, सप्लाई ट्रेस करने के लिए सबसे पहले मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी मोड पे लगाएंगे, जिसको आप बीप मोड कहते हैं। ये यहाँ पे ये जो है हमारा कंटिन्यूटी मोड, इस पर हम सेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने सेट कर लिया और सप्लाई को हम ट्रेस करेंगे। सप्लाई ट्रेस करने के लिए मल्टीमीटर को बीप पे लगाएंगे और एक पॉइंट मेन पॉइंट पे रखेंगे और दूसरे पॉइंट से चेक करेंगे। एक प्रोब को हम इस पॉइंट पे रखेंगे जिसकी सप्लाई हमको चेक करनी है। इसमें देखिए दो पॉइंट हैं, यहाँ पे स्पीकर के हमारे पास दो पॉइंट हैं, स्पीकर या फिर ये मान चलिए ये बैटरी कनेक्टर है हमारा, इसमें हमको तीन पॉइंट मिलते हैं। अब इसकी अगर हमको सप्लाई चेक करनी है कि कहाँ से आ रही है, तो एक प्रोब को हमको इस पर रखना पड़ेगा और दूसरी प्रोब से यहाँ के पास लगे कंपोनेंट चेक करने पड़ेंगे। जहाँ पे बीप देगा, जहाँ पे बीप की आवाज़ आने लगेगी, यानी कि वहाँ से इसकी सप्लाई जुड़ी हुई है। जैसे कि ये मैं टच करता हूँ, ये जुड़ने पर बीप देता है ना, तो जहाँ से इसकी सप्लाई जुड़ी हुई होगी वहाँ पे वो बीप देगा। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले माइनस की चेक करते हैं, ये जो हमारा माइनस पिन है इसकी सप्लाई चेक करते हैं। तो एक पिन को हम यहाँ पे रखेंगे माइनस पोर्ट पर, जो पॉइंट जिस पॉइंट की हमको चेक करनी है, इस पर रख लिया, और दूसरी प्रोब को हम चेक करेंगे। तो ये ग्राउंड ही होता है, तो ये कहीं भी आपको बीप मिल जाएगी, इसकी ग्राउंड को कहीं से भी आप जोड़ सकते हैं। फिर देख लेते हैं प्लस की सप्लाई कहाँ से मिलेगी आपको। ये जो आपका प्लस पॉइंट है, इसकी सप्लाई हम चेक करते हैं कि कहाँ से आएगी। तो इसको हमने ऐसे लगाया, इस पर एक जो प्रोब होगी वो इस पॉइंट पर रखेंगे और दूसरी पॉइंट से पास लगे कंपोनेंट चेक करेंगे। पास लगे कंपोनेंट चेक करना है, ये नहीं कि यहाँ पे आप जाके चेक करेंगे। थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, ये जो प्रोप है, एक प्रोप रखेंगे इस पॉइंट पे, चाहे जो पॉइंट हो, मान चलिए इसकी सप्लाई चेक करनी है हमको या इस पिन की चेक करनी है, किसी भी चीज़ की चेक करनी है, तो एक पिन को इस पर रखेंगे और दूसरी पिन जो होगी, जो हमारी प्रोप है, उससे हम चेक करेंगे। तो अगर ये बैटरी कनेक्टर की हमको सप्लाई चेक करनी है, अब जो हमारी एक प्रोप है उसको हम इस पॉइंट पर रखेंगे और दूसरी प्रोप से चेक करेंगे। ये यहाँ पे बीप दे रहा है, ठीक है, तो यानी कि इसकी सप्लाई यहाँ पे आई है। फिर इधर हमने लगाया, यहाँ पे भी नहीं दे रहा है, इधर लगाते हैं। ये जो इधर पॉइंट है इसका डायोड का दूसरा पॉइंट, इस पर लगा के देखते हैं, ठीक है। तो ये सप्लाई पहले यहाँ पे आई है, फिर यहाँ पे, अब ये आर बाई इससे हमको सप्लाई मिलनी चाहिए, यहाँ पे लगाएंगे हम, ये यहाँ पे आई है, ये यहाँ से सप्लाई यहाँ, फिर यहाँ पे, अब
यहाँ पे जहाँ पे बीप दे रहा है यानी कि वहाँ से सप्लाई उसकी आई हुई है। अगर कभी भी सप्लाई आपकी ब्रेक हो जाती है बैटरी कनेक्टर की तो आप यहाँ से R22 से दे सकते हैं। यहाँ पे मिल जाएगी आपको। यहाँ पे कंपोनेंट्स पे चेक कर लेते हैं। फिर ये जो आपकी चार्जिंग आईसी लगी हुई है ये यहाँ पे इसमें सप्लाई चली जाती है। अगर इसको निकालेंगे तो यहाँ पे हमको प्लस पॉइंट की सप्लाई मिलेगी। फिर ये यहाँ से जाने के बाद डायरेक्ट आपके CPU में पहुँच जाती है। अब हम स्पीकर की सप्लाई चेक करेंगे। देखते हैं इसकी सप्लाई कहाँ से आती है। थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये हमारे स्पीकर के पॉइंट, ये दो पॉइंट हैं हमारा। अब इनकी सप्लाई चेक करेंगे कि कहाँ से आ रही है। तो यहाँ से एक पॉइंट जो आपकी एक प्रोप है उसको इस पॉइंट पर रखना है जिस पॉइंट की हमको ढूंढनी है सप्लाई, और दूसरी प्रोप को चेक करना है वहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा है वहाँ से हमारी बीप की आवाज़ आ रही है, यानी कि ये जो सप्लाई है यहाँ से आई हुई है। फिर यहाँ पर रिंगर आईसी का पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पे रिंगर आईसी लगा सकते थे लेकिन इसमें रिंगर आईसी नहीं दी गई हुई, तो ये यहाँ से यहाँ तक आ रही है, फिर ये आपको नहीं मिलेगी, फिर ये डायरेक्ट CPU में चली गई है। तो कभी अगर आपकी ये सप्लाई ख़राब होती है तो आप यहाँ से अगर जम्पर लगा देंगे तो आपकी सप्लाई जो है वो चलने लगी, आपका स्पीकर जो है वो वर्क करने लगता है। इसी तरह माइनस की भी सप्लाई देखते हैं। माइनस वाले पॉइंट पर रखेंगे यहाँ पे, इस पर हमने रख लिया, और यहाँ के पास लगे कंपोनेंट चेक करते हैं। यहाँ पे हम लगाया, नहीं बीप दे रही है। यहाँ पे भी बीप नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पे जैसे हम लगाते हैं, ये देखें ये जो रेजिस्टेंस है इसी के साइड वाला, इस पर हमको प्लस वाले की सप्लाई आ रही थी और इस पर माइनस वाले, ठीक है। तो अगर कभी भी ये सप्लाई आपकी ब्रेक हो रही है तो यहाँ से आप जम्पर दे सकते हैं। तो इस प्रकार आप किसी भी पॉइंट की या किसी भी कंपोनेंट की आप सप्लाई को ट्रेस कर सकते हैं। एक पॉइंट उस पर रखना पड़ेगा और दूसरा आपको वहाँ पे पास लगे कंपोनेंट्स को चेक करना है, जहाँ से आपको बीप मिल रही है वहाँ से आपकी सप्लाई आएगी। यहाँ पे देख लीजिए माइक का पॉइंट दिया हुआ है हमको, इसकी भी सप्लाई ट्रेस करके देख लेते हैं कि कहाँ से इसकी सप्लाई आई हुई है। ये माइक का पॉइंट दिया हुआ, ये दो पॉइंट है हमारे। अब एक प्रोब को इस पर रखेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे, ये यहाँ पे बीप दे रहा है, यहाँ कैपेसिटर पे बीप, यहाँ पे बीप दे रहा है। फिर ये डायोड लगा है हमारा, ये यहाँ पे भी पा रही है, ये जो साइड में कैपेसिटर लगा हुआ है। फिर भी कहीं भी सप्लाई हमको नहीं देखने को मिलती है, यानी यहाँ से ये फिर डायरेक्ट CPU में सप्लाई चली जाती है। यहाँ तक हमको सप्लाई देखने को मिलती है, ये जो आपका कैपेसिटर लगा है यहाँ से फिर ये डायरेक्ट यहाँ पे CPU को सप्लाई आ जाती है। इस वाले पॉइंट को देख लेते हैं, इस पॉइंट की सप्लाई कहाँ से आएगी। यहाँ पे क्लिप लगाया हमने और इस पर चेक करेंगे, पास लगे कंपोनेंट्स पे ही चेक करते हैं। इस पर भी पा रही है, फिर इस पर भी पा रही है, और भी चेक कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बीप आने के बाद फिर कहीं भी आपको बीप यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है अगर, तो उसके बाद वो सप्लाई जो है वो CPU तक पहुँच चुकी है, फिर उसको सप्लाई आप नहीं ट्रेस कर सकते, क्योंकि ये PCB है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये प्रिंट करके बनाया हुआ होता है सर्किट। कभी कभार आपको यहाँ पे हल्की सी लाइंस मिल सकती हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि सप्लाई किधर से आई है। तो चलिए ये तो बात हो गई सप्लाई ट्रेस करने की।
हमको पता होगा कि हम सप्लाई कैसे ढूंढेंगे, कैसे जानेंगे कि सप्लाई उसकी कहाँ से आई है, ये तो हमको पता हो जाएगा, ये आसान चीज़ है। लेकिन अगर हमारी सप्लाई ब्रेक हो गई है तब तो हमको मिलेगी नहीं ना, हम तब उसको ट्रेस कर सकते हैं। तब हम कैसे ट्रेस करेंगे कि सप्लाई उसको कहाँ से देनी है? तो सबसे पहले हम एक ये बना के देख लेते हैं कि सप्लाई इसकी कहाँ से आई है। जैसे ये मोबाइल देख लेते हैं, इसमें देखिए ये जो माइक के पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमको दो रेजिस्टेंस, फिर दो रेजिस्टेंस और एलईडी दिख रही है, तो इसको हम चेक करते हैं कि इसमें सप्लाई कैसे आई है। चलिए इसको हम बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दो पॉइंट हैं, ये आपका प्लस हो गया, ये माइनस, ठीक है, ये एम आई सी, ये माइक के पॉइंट हैं दोनों आपके। और यहाँ पे कुछ आपको कंपोनेंट मिल जाते हैं, जैसे एक ये आपका है रेजिस्टेंस, और एक इधर, और कुछ यहाँ पे, ये भी आपका आर है रेजिस्टेंस, ये भी आपका रेजिस्टेंस है, और ये भी आपका रेजिस्टेंस है। फिर हो सकता है ऐसे कैपेसिटर भी आपको लगा मिल जाए, ये ठीक है। अब आपको सप्लाई कैसे ट्रेस करनी है, जैसे आपको देख लीजिए, जब आप कभी भी सप्लाई ट्रेस करेंगे तो वहाँ पे आपको दो सर्किट मिलेंगे, जैसे कोई भी स्विच, जैसे कोई भी बल्ब है या कोई भी देखिए, उसमें दो आपको मिलेंगे, प्लस और माइनस, दो सप्लाई आपको मिलती हैं। तो वैसे ही जब आप इसको सर्किट को ध्यान से देखेंगे, जैसे ये इसमें देखिए माइक का जो सर्किट बना हुआ है यहाँ पे, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो वो दो हिस्सों में आपको बटा हुआ नज़र आएगा, जैसे दो कैपेसिटर, दो रेजिस्टेंस लगे हैं, फिर दो रेजिस्टेंस लगे हैं, फिर सप्लाई अंदर हो गई है, इन हो गई है, ठीक है। अब कैसे ट्रेस करेंगे, अब इसको हम चेक करेंगे। जैसे एक मान लीजिए माइनस की सप्लाई इसकी चली गई है, यह हमारी माइक है, और इसकी जो माइनस वाली सप्लाई है वो ब्रेक हो गई है, ये जो माइनस की सप्लाई है ये ब्रेक हो चुकी है, इस पर वन आ रहा है, ठीक है, इस पर वन आ रहा है, इस पर आ रही है वैल्यू, ये मैंने बताया है माइक की सप्लाई में कि अगर वन आ रहा है तो सप्लाई ब्रेक है, अगर वैल्यू आ रही है तो सप्लाई सही है। तो अगर वन आ रहा है, ये सप्लाई ब्रेक है, तो सबसे पहले हम प्लस वाले की सप्लाई चेक करेंगे, सप्लाई कहाँ से आ रही है। तो इसको जब आप चेक करेंगे तो ये आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा है, ये रेजिस्टेंस लगा है, ये और ये कैपेसिटर। अब इसकी हमने सप्लाई चेक करी, यहाँ से आ रही है, फिर इसकी सप्लाई चेक करी, यहाँ से आ रही है, और फिर ये यहाँ से, ठीक है। अगर प्लस वाले की सप्लाई इधर से आ रही है तो देखिए यहाँ पर एक सेम कंडीशन बन जाती है, सेम कंपोनेंट आपको सामने भी मिलेंगे, एक ये, तो अगर यहाँ से इसकी सप्लाई नहीं मिल रही है तो इसकी भी सप्लाई यहाँ से आई होगी, इसकी सप्लाई यहाँ से आई होगी, ये माइक के माइनस वाले की, फिर यहाँ से, और फिर यहाँ पे आ गई होगी, गारंटी है कि ये सेम सप्लाई आई होगी। अगर आपको एक प्लस वाले पॉइंट की सप्लाई यहाँ से मिल रही है तो माइनस वाले की भी यहाँ से मिल जाएगी, सामने आपको सेम कंपोनेंट देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे आप सप्लाई को ट्रेस करके लगा सकते हैं, अगर एक सप्लाई आपके पास है तो दूसरे को आप ट्रेस कर सकते हैं। मान चलिए अब दूसरी कंडीशन, कोई कंपोनेंट हमारा उखड़ गया है, तब कैसे सही करेंगे उसको। तो ये हमारे दो पॉइंट हैं, मान चलिए ये स्पीकर के पॉइंट हैं, ये माइनस आपका और ये प्लस, अब ये कुछ कंपोनेंट लगे हैं, ये फिर ये इधर को कंपोनेंट लगा है, फिर ये यहाँ से कंपोनेंट लगा है, और यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो उखड़ा हुआ है, और ये फिर ये आईसी को चली जाती है सप्लाई। यहाँ पे केवल हमारे पॉइंट दिए हुए हैं लेकिन कोई कंपोनेंट नहीं लगा है। तो अब इसकी सप्लाई, इसको हम ट्रेस करना शुरू करेंगे,
ट्रेस करना मैंने बताया कैसे ट्रेस करेंगे, इस पर एक पॉइंट रखेंगे, फिर यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे हमको बीप मिलनी चाहिए, फिर यहाँ पे बीप मिल रही, यहाँ पे बीप मिल रही, लेकिन आगे जो हमारा कंपोनेंट है वो नहीं लगा है। इधर कंपोनेंट लगा हुआ है, इधर हमारी यहाँ से सप्लाई यहाँ पे मिल रही है, फिर यहाँ से यहाँ पे बीप मिल रही है, फिर ये यहाँ तक बीप हमको मिल रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा एक कंपोनेंट जो है वो मिसिंग है। तो क्या करेंगे, इसको हम शॉर्ट कर देते हैं, इसको ऐसे शॉर्ट कर दीजिएगा और आपकी जो है सप्लाई वो शुरू हो जाएगी, या फिर रेजिस्टेंस या कैपेसिटर जो भी लगा हो वहाँ पे वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपका इधर आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है इस सप्लाई में, तो आप इधर रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन आती है, आपका ये पॉइंट उखड़ जाता है, कभी कभी बार आपका एक ही पॉइंट बचता है और एक ही आपका उखड़ जाता है, एक पॉइंट जो माइनस वाला आता है वो उखड़ गया या प्लस वाला उखड़ गया, तो उसको भी आप यहीं पास लगे कंपोनेंट से सप्लाई ट्राई कर सकते हैं, सप्लाई ट्रेस करेंगे और उससे जम्पर डायरेक्ट यहीं से लगा देंगे, ऐसे आपका जो सप्लाई होगा वो सही हो जाएगा। फिर अति कभी कभार सप्लाई हमको नहीं मिलती है, तो अगर आपको सप्लाई नहीं मिल रही है तो आप माइनस वाली जो सप्लाई है वो आप ग्राउंड को दे सकते हैं, कोई भी सप्लाई हो, चाहे वो चार्जिंग की हो या माइक की हो या स्पीकर की हो, कोई भी अगर माइनस पॉइंट की सप्लाई है तो आप उसको जीएनडी ग्राउंड ग्राउंड से दे सकते हैं, आपका काम शुरू हो जाएगा। तो इस तरह आप सप्लाई को ट्रेस कर सकते हैं और जम्पर लगा के अपनी सप्लाई को सही कर सकते हैं। अब हम एक ये देख लेते हैं कैसे इसमें, मान चलिए यह है हमारा, अब यहाँ पे हमारे दो माइक के पॉइंट दिए हुए हैं, ये प्लस और माइनस, और इनकी हम सप्लाई ट्रेस करेंगे। मान चलिए मैंने ये कंपोनेंट हटा दिया यहाँ से, ये हट गया है, मिस है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, सप्लाई चेक करने के लिए क्या करते हैं, प्लस पॉइंट प्रोब को ग्राउंड पर रखते हैं और माइनस प्रोब से चेक करते हैं, इसको हमने रख लिया और माइनस से चेक करेंगे, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे देखिए वन आ रहा है, 21 पॉइंट पे आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो क्यों वैल्यू यहाँ पे नहीं मिल रही, वन मिल रहा है क्योंकि यहाँ से हमने कंपोनेंट जो है वो तोड़ दिया है। अब इसको अगर इसकी अगर हमको सप्लाई सही करनी है, बनानी है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कहाँ से इसकी सप्लाई आ रही है। देखिए यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है वो नहीं है, तो इसको अगर हम शॉर्ट कर देंगे तो हमारी सप्लाई सही हो जाएगी। ये जो हैं दो पॉइंट हमारे, एक ये और एक ये, इसको अगर हम शॉर्ट कर देंगे तो यहाँ तक सप्लाई हमारी चालू हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। वैसे ही सेम देखिए यहाँ भी बना हुआ है, अब इसकी सप्लाई देखिए यहाँ पे आई है, फिर इसकी यहाँ पे सप्लाई हमको मिल जाती है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी आप अगर शॉर्ट कर देंगे तो आपकी सप्लाई जो है वो शुरू हो जाएगी और आपकी माइक काम करना शुरू कर देगी। तो फ्रेंड्स, हमें आशा है कि आपको सप्लाई ट्रेसिंग का मतलब पता हो गया होगा और सप्लाई कैसे ट्रेस करते हैं ये आप सीख गए होंगे। अगर कोई दिक्कत आती है आपको तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।